जब मैंने फ्लैट ले लिया, जो फीलिंग आई थी वो शायद इट वाज वेरी क्लोज टू जब मैंने गूगल क्रैक किया था। हादसा 2022 का है, 2022 का है, जब मैं यूएस से सिएटल से बैंगलोर आ रहा था। मैं काफी श्योर था कि मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं अमेजोन में काम किया हुआ था और इधर गूगल में काम कर रहा हूँ। गूगल में जॉब करना भी थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस है, मुझे बहुत सारे स्ट्रगल्स देखने पड़े। तो मैंने करीब 40-50 ब्रोकर्स को रीच आउट किया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बैंगलोर में। मुझे कॉल बैक ही नहीं आ रहे कि फ्लैट्स हैं। जो फ्लैट्स हैं 2 BHK 50,000 60,000 पर मंथ, मेरे हेल्थ पर, मेरे काम पर, सब पे इम्पैक्ट करने लगा था। तो मैंने ब्रोकरेज भी हाई करके बोला 1.5 महीने का दे दूंगा, 2 महीने का दे दूंगा, ऐसे करके। तो मुझे कुछ कुछ फ्लैट्स मिले। ऐसा नहीं है कि आपने फ्लैट देखा, उन्होंने आपको देखा, ऑल सॉर्टेड। वो पहले आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल दीजिए उन्हें, फिर आप उनसे बात कीजिए, फिर वो आपसे बात करेंगे, और बाद में सवाल ऐसे, आपको फीलिंग ऐसी आएगी कि आप जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं। जैसे कुछ सवाल, आप तो गूगल में हैं, आप क्यों रेंट पे देख रहे हैं, आप तो फ्लैट खरीद लीजिए, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मैनेजर क्यों बने, आप तो राजपूत हैं तो आप तो चिकन ही आप नॉनवेज खाते ही होंगे। मैंने ऐसे ऐसे फ्लैट देखे, आपको लगेगा कि इसके 50,000 मैं कैसे दे दूं महीने के। मुझसे कुछ लोगों ने डिपॉजिट 5-5 लाख रुपए डिपॉजिट मांगा है, और वो मिलने को तैयार नहीं थे। पहले डिपॉजिट दो तब फ्लैट दिखाऊंगा। तो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है वो फ्रॉड भी हो। तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब मैंने फ्लैट ले लिया, जो फीलिंग आई थी वो शायद इट वॉज वेरी क्लोज टू जब मैंने गूगल क्रैक किया था। फिर मुझे पता चला कि मैं स्पेशल नहीं हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। मुझे लगा एक हंसी और मजाक के तौर पर मैं इस चीज को दिखाऊं कि सिचुएशन कितनी ज्यादा सीवियर है। तो झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि आप जब जा रहे हो एक फ्लैट में रहने, तो जो मालिक है उसको हो सकता है कुछ तरीका हो देखने का फ्लैट। तो जब आप फ्लैट लेने जा रहे हो सकता है टफ हो मिलना, पर आपको, आप जो हो, आप की कास्ट, रिलीजन, कंपनी, जो भी आप जो हो, उसे छुपाना नहीं है, आपको प्राउड होना चाहिए उस पे। दूसरी चीज है, मुझे लगता है कि जब आप बात कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है उन लोग के साथ, जब वो पूछ रहे हैं सवाल, कि अगर उनने 50,000 बोला, कोई आगे 55,000 बोला, तो हो सकता है आप अच्छे किराएदार बन भी जाओ तो भी वो किसी और को मिल जाए। अगर मुझसे कोई सवाल पूछेगा कि बहुत ही ज्यादा पर्सनल सवाल, कि आपका रिलीजन क्या है, तो आपको भी पूछना है कि इसका फ्लैट लेने से क्या लेना देना है। वीडियो इंटरव्यू मत करो। मैं वीडियो इंटरव्यूज पे रिजेक्ट हुआ हूँ एक दो बार। जाके मिल लो एक बार, और जाके मिलने से जो पर्सनालिटी आती है और जो पता चलता है इंसान कैसा है, उससे चांसेस बढ़ जाते हैं आपके सिलेक्ट होने के।